नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। आज की सुर्खियां, S-400 डिफेंस सिस्टम पर भारत के साथ हो गया सबसे बड़ा धोखा। यूक्रेन ने एक झटके में ही भारत का $5 बिलियन सत्यानाश कर दिया। पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद यूक्रेन और नाटो ने लिया भारत से बदला। भारत और रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम डील से चीन और पाकिस्तान को हो गया फायदा। जंग में फंसे होने के बावजूद रूस ने भारत को भेजा 120 खूंखार मिसाइल। यूक्रेन ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप, बोला मरे हुए यूक्रेनी सैनिकों के अंग बेच रहा है रूस। रूस का नाम लेकर भारत ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि कैसे भारत और रूस के बीच S-400 डील खतरे में पड़ गई है और इससे चीन और पाकिस्तान को कैसे फायदा हो गया है। फिर देखेंगे कि जंग में फंसे होने के बावजूद रूस ने भारत को कौन सा ब्रह्मास्त्र भेज दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों सभी खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले S-400 के बारे में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है उसे जान लेते हैं। पीएम मोदी को मॉस्को यात्रा के बाद यूक्रेन के हैकरों ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खुफिया जानकारी लीक कर दी है। रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौदे का पूरा डिटेल भारत को ईमेल करके भेज दिया था। इस ईमेल को यूक्रेन के हैकरों ने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी की मदद से इस ईमेल को हैक कर लिया और भारत को भेजे जाने वाले कई हथियारों की डिटेल को हासिल कर लिया। इसमें भारत ने कितनी मिसाइलें खरीदी और क्या क्या उपकरण खरीदे गए, सब कुछ सार्वजनिक कर दिया गया है। यूक्रेन ने भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इसमें यूक्रेन के साथ नाटो और अमेरिका भी शामिल हो सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि रूस की ओर से भारत को कितने तरह की मिसाइलों को दिया जाएगा। ये जानकारी भारत और रूस के बीच हुई डील की है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की रूस यात्रा के बाद यूक्रेन ने इस हरकत को अंजाम दिया है। मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका बार बार भारत को धमकी दे रहा था और अब ये डिटेल लीक किए जा चुकी है, जिससे सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। यूक्रेन के हैकर्स ने 15 जुलाई को दावा किया कि उन्होंने S-400 सिस्टम की गोपनीय जानकारी को पब्लिक कर दिया है। इस जानकारी में S-400 मिसाइल की संख्या, उपकरणों के कोड और उनके पार्ट्स की डिटेल शामिल है। रूस ने भारत को इस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है, जिसके बाद ये गोपनीय खुलासा हैकरों ने किया है। पीएम मोदी की यात्रा के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय पीएम एक खूनी हत्यारे के गले लग रहे हैं। इसके बाद यूक्रेन के हैकर्स ने इन्फोम नापाल्म की मदद से भारत और रूस के बीच हुई हथियारों की डील को सार्वजनिक कर दिया। भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम की डील 2018 में हुई थी। ये डील $5 अरब की है। अब तक भारत को 3 S-400 सिस्टम मिल चुके हैं, जबकि बाकी 2 सिस्टम की सप्लाई में देरी हो रही है। रूस अब इन्हें अगले साल तक देने की बात कह रहा है। इस लीक के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को इसका फायदा हो सकता है। हालांकि भारत और रूस ने अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। S-400 की मिसाइल को दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों में गिना जाता है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक होती है। इस पूरे मामले से भारत की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत ने S-400 सिस्टम को पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए खरीदा है, लेकिन अब इसकी जानकारी दुश्मनों के पास जा सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी की यात्रा के बाद रूस ने भारत को 120 सुपर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की सप्लाई शुरू कर दी है। ये मिसाइल भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बढ़त देगी। इस मिसाइल को बालाकोट हवाई हमले के बाद ऑर्डर किया गया था। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। यूक्रेन के एक सैनिक की पत्नी लारिसा सालेव ने कहा है कि रूस यूक्रेनी मृत सैनिकों के अंग निकाल कर बेच रहा है। उनका कहना है कि रूस इन शवों के अंगों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। सालेवा ने ये आरोप तुर्की के अंकारा में एक बैठक के दौरान लगाए। यूक्रेनी सैनिक की पत्नी सालेवा के अनुसार रूस द्वारा लौटाए गए यूक्रेनी सैनिकों के शव शत विक्षत हालत में मिल रहे हैं और उनके कई अंग गायब हैं। उन्होंने बताया कि इस अपराध को रोकने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले में तुर्की को मध्यस्थता करने और युद्ध बंदियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कदम उठाने की अपील की गई है। ब्रिटिश समाचार पत्र द सन की रिपोर्ट के मुताबिक सालेवा ने कहा कि रूस द्वारा लौटाए गए सैनिकों के शवों के कई अंग निकाले गए हैं। क्या आप रूस के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों को सच मानते हैं या नहीं? अपनी राय आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।
वहीं एक यूक्रेनी सैनिक की मां ने भी बताया कि जो सैनिक लौट कर आए हैं वे बेहद दुबले पतले हो गए हैं और उन्हें तत्काल मेडिकल सुविधा की जरूरत है। द डेली मेल रिपोर्ट के अनुसार रूस ने इन आरोपों को नकली और झूठ बताया है। रूस का कहना है कि ये आरोप लगाने वाले लोग नकली यूक्रेनी नागरिक हैं और रूस के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रूस ने 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को युद्धबंदी बनाकर रखा है। आइए अब आपको बताता हूँ कि भारत ने रूस का नाम लेकर अमेरिका को कैसे करारा जवाब दे दिया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस की यात्रा की और वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। इस पर अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की थी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। उसी समय पीएम मोदी रूस की यात्रा पर थे। भारत ने अमेरिका की नाराजगी पर सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक संबंध है और ये पारस्परिक हितों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में सभी देशों को अपनी पसंद की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सभी को इसे समझना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका बिना पूछे भारत के पीओके में घुस जाता है। अगर भारत उस समय अमेरिका पर बैन लगाना शुरू कर दे तो फिर उसे कैसा लगेगा? अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने पीएम मोदी की रूस यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका पीएम मोदी की रूस यात्रा से निराश है और अपनी चिंताओं के बारे में भारत से बात कर रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भी इस यात्रा का विरोध किया। दोस्तों, सच्चाई ये है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। ये अमेरिका से देखा नहीं जा रहा क्योंकि सस्ते तेल की बदौलत भारत की इकोनॉमी धुआंधार तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसके कारण अमेरिका परेशान नजर आ रहा है। वैसे आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।